22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ वो मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई जगह इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बड़ी बात कह डाली। पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने इस बात को सिरे से खारिज किया कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर चारों पीठों के शंकराचार्यों में मतभेद है। उन्होंने फिर स्पष्ट किया कि वे उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बता दें, पुरी के शंकराचार्य ने अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में भाग न लेने की बात कही है और स्पष्ट किया है कि प्रतिष्ठा समारोह में भाग न लेने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि राम मूर्ति की स्थापना के दौरान स्थापित परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं इस दौरान पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि हम किसी दल के समर्थन में नहीं बोलते हैं, हमें जो बोलना होता है बोलते हैं, फिर चाहे कोई एटम बम रख दिया जाए, हम डरते नहीं हैं। सुनिए, हम तो किसी दल के समर्थन में या विरोध में बोलते नहीं, समझ गए? किसी दल के समर्थन में या विरोध में स्वप्न में भी हमने आज तक किसी को नहीं कहा कि अमुक को वोट दो, अमुक को वोट दो, ना। हमारा हृदय बिल्कुल स्पष्ट, जो बोलना है हम बोलते हैं। और वो एटम बम रख दिया जाए मुझे डर नहीं लगता है। मेरी वाणी पर लोभ भय कोरी भावुकता विवेक का प्रभाव होता नहीं। साथ ही पुरी शंकराचार्य ने कहा कि भाजपा हमारी बातों का अनुगमन भी करते हैं और दबाने का भी काम करते हैं। आप भी सुनिए। जो हम कहते हैं उसका अनुगमन तो लोग करने के लिए बाध्य होते हैं। सीमा की सुरक्षा इसको लेकर सबकी जीविका जब से सुरक्षित सब तो अच्छा। गाय को लेकर जो हमने कहा, अब गाय को चारा देने लग गई या नहीं? एक और कहा था गो रक्षा गुंडे, एक और कहा गो माता, अब गाय पाल करके गाय को चारा देने लग गई या नहीं? अनुगमन भी करते हैं और दबाने का प्रयास भी करते हैं। यही नेताओं का स्वरूप क्या है, अनुगमन भी करते हैं, दबाने का प्रयास भी करते हैं। गौरतलब है कि बीते 13 जनवरी को शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने समारोह में भाग नहीं लेने के लिए अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि धार्मिक और अत्याधुनिक क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप उचित नहीं है और यहां तक कि संविधान भी इसकी अनुमति नहीं देता है। बहरहाल, एक तरफ राम मंदिर उद्घाटन को लेकर जहां देश के सभी व्यक्ति के साथ साधु संतों में उत्साह है, तो वहीं कई नेता और संत इसका विरोध भी कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी ने प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर वरिष्ठ संतों के बीच चिंताएं पैदा कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।